फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बंग ब्यूटी और मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आज मैं फिर से एक रिव्यू वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो गई हूं, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो था। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं ये मेबलिन फिट मी स्किन फिट पाउडर फाउंडेशन की। और ये मैंने मेरा जो पिछले वाला हॉल था वीमेंस डे हॉल पे, उसमें लिया था मैंने। और आप में से बहुत सारे जन मुझसे ये रिक्वेस्ट किए थे कि इस पाउडर फाउंडेशन की रिव्यू आप लोगों को चाहिए। सो हियर आई एम। सो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर इतना सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दे देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड डू कॉमेंट बिलो। कुछ भी अगर जाननी हो तो और कैसा लगा वो भी बताना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल मीन अ लॉट टू मी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये मेबलिन फिट मी स्किन फिट पाउडर फाउंडेशन की। और मेरी वाली जो शेड है वो है 310 सन बेज। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 9 ग्राम, विच इज़ गुड। और इसकी जो प्राइस है वो है 600 रुपीज़, विच इज़ ऑल्सो अ गुड। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप लोगों को पता है कि पाउडर फाउंडेशंस जो है, अच्छी पाउडर फाउंडेशंस थोड़ी सी महंगी होती है। और ये वाली जो है, सबसे पहले इसके आउटर पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही एक स्लीक पैकेजिंग है, बहुत अच्छा लगा मुझे। वो फिटमी का जो बॉटल ट्यूब जो है उसके तरह ही है। और इसका जो इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पे मेंशन की गई हुई है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे जो है इंग्रेडिएंट्स मेंशन की गई हुई है। और यहाँ पे कहीं पे भी पैराबन का जिक्र नहीं है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये पैराबन फ्री तो है। और इसके पीछे जो है ये सारी चीज़ों का मेंशन की गई हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रो वेलवेट पाउडर स्मूदनेस एंड रिफाइंड स्किन फिनिश, ब्लरिंग पिगमेंट्स, वैनिश पोर्स एंड कंट्रोल ऑयल, नाउ वाइड रेंज ऑफ स्किन फिटिंग शेड्स अवेलेबल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाइड रेंज, लेकिन वाइड रेंज ऑफ शेड्स तो नहीं है। कुल मिला के सिर्फ 7 शेड्स में अवेलेबल है। आई थिंक ये न्यूली लॉन्च है, इसलिए शायद अभी के लिए 7 शेड्स में आई है और बाद में शायद और भी शेड्स आएंगे, सो हमको वेट करना पड़ेगा थोड़ा। और ये जो है नॉर्मल टू ऑयली स्किन लिखा हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करता। एक मैट फिनिश तो देती है ऑब्वियसली, लेकिन विदाउट ड्राइंग सो मच। लैक्मी का जो था मेरा वो बहुत ज़्यादा मैट था और उसका जो कवरेज था वो भी इसकी तरह नहीं था। सो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी एक इन्वेंशन है, बहुत ही अच्छी लॉन्च है। और इसमें सबसे जो अच्छी लगी मुझे, इसमें SPF 32 PA++++ है, विच इज़ ग्रेट थिंग। और समर के लिए बहुत ही अच्छी होती है, मैंने इसीलिए खरीदी हुई है कि समर में बहुत ज़्यादा मेकअप करना हमें अच्छी नहीं लगती। हाँ, मेरी तरह शायद आप लोगों को भी अच्छी नहीं लगती हो, इसीलिए थोड़ा सा अगर ये हम लगा के बाहर निकले तो सभी का काम हो जाएगा, सनस्क्रीन का काम भी हो जाएगा अच्छी तरीके से और थोड़ी सी हल्की सी नेचुरल फिनिश भी आएगी और कवरेज भी थोड़ी देगी, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और ये है इसका अंदर का जो पैकेजिंग है वो भी बहुत ही एक स्लीक डिज़ाइन है, कैरी करने में आसानी होती है। और बहुत अच्छी बात पैकेजिंग में ये है कि इसका जो अंदर में, इसके अंदर में एक ह्यूज मिरर है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। इसमें एक पफ भी आती है, नॉर्मल जो सब में ही होती है ये पफ, ये भी बहुत ही अच्छी है। मैंने इसको यूज़ किया हुआ है पहले, बहुत अच्छी पफ है। और एक बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ और ब्लेंडेबल है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसकी जो स्वाच है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, आप लोग देख ही सकते हो, और बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ब्लेंड हो गई है। अब मैं इसको अप्लाई करके आप लोगों को बताती हूँ। मैंने कोई प्राइमर नहीं लगाई थी, मैंने ये जो मेरे डार्क सर्कल्स है थोड़ी सी छुपाने के लिए पहले थोड़ी सी कंसीलर लगाई थी और उसके बाद खाली ये यूज़ किया और कुछ भी सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया है।
मैंने आज जो मेकअप मेरा किया है उसमें, और आप लोग देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज कवरेज तो नहीं है. आई मीन कम ऑन, इट्स अ पाउडर फाउंडेशन, फाउंडेशन की तरह तो कवरेज आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक बहुत ही अच्छी सी एक नेचुरल फिनिश आ गई है और एक थोड़ी सी डिफरेंस तो महसूस कर पा रही हूँ मैं, विच इज़ ग्रेट थिंग. और मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है और मैंने देखा है लगातार 6 घंटे बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसीलिए शायद मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली नहीं होती बहुत कम समय में, और इसीलिए मैंने पहले भी इसको यूज़ किया है और मैंने देखा है कि इसकी जो लॉन्गजिविटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. लगातार 6 घंटों तक मेरी कोई टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ी और 6 घंटे बाद आप लोग देख ही सकते हो कि थोड़ी थोड़ी ऑयली होनी शुरू हो गई है मेरी टी जोन. और अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो इसके साथ ही जो पफ आता है उसको लेके आप थोड़ी सी प्रेस कर देना और आपका जो टी जोन है वो मैट हो जाएगा अगेन. सो लॉन्गजिविटी वाइज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस. और सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोज की तरफ है, खाली एक ही कॉन है इसकी जो शेड रेंज है, तो वो भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ क्योंकि ये नई लॉन्च है और अगर पॉपुलर हो गई तो शायद और भी शेड्स आएंगे मेबेलिन फिट मी फाउंडेशंस की तरह. सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी अकॉर्डिंग टू इट्स प्राइस. 600 प्राइस इट्स नॉर्मल प्राइस, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी नहीं बोल सकते और बहुत ज़्यादा प्राइसी भी नहीं बोल सकती हूँ. अच्छी प्राइस है, मीडियम प्राइस में, मीडियम रेंज में, और अच्छी कवरेज है, लाइट टू मीडियम कवरेज है, बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं है और मुझे वही पसंद आई. और अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप ये जो स्पंज है उसको थोड़ी सी वेट करके भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपके कवरेज जो है वो ज़्यादा आए, लेकिन मेरी कोई ज़रूरत नहीं है अच्छी सी कवरेज की. मुझे कवरेज चाहिए होगी तो मैं फाउंडेशन ही यूज़ कर लूँगी. सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छी लगी. मैंने जिस पर्पज़ में इसको लिया था थोड़ी सी नेचुरल फिनिश कवरेज के लिए, वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से मिल गई और लॉन्गजिविटी वाइज भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. मेरी स्किन पे ये 6 आवर्स तो आराम से चल गए विदाउट सेटिंग स्प्रे. सो माई फाइनल वर्डिक्ट इज बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, पैराबन फ्री प्रोडक्ट है और मेरी जो शेड है वो भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से मैच किया है, वो भी बहुत अच्छी बात है. और 600 रुपीज़ में बहुत ही अच्छी एक लॉन्च है, लॉन्गजिविटी वाइज भी अच्छी है, कवरेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी कवरेज है. और सबसे जो अच्छी बात है इसके अंदर SPF 32 PA++++ है और बहुत अच्छी पैकेजिंग भी है, बहुत ही ह्यूज एक मिरर भी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है आपके स्किन पे और बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाती है. ये जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और लॉन्गजिविटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. सो फाइनल मैं कह सकती हूँ कि आप लोग ज़रूर स्पेशली समर में इसको ट्राई ज़रूर करना, ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, मैं इसको 100% रिकमेंड करूँगी. तो कैसे लगा आज का ये वीडियो, आई होप कि अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक ज़रूर दे देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना. एंड डू कमेंट बिलो कि कैसा लगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर में. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.